आप सबको दोस्तों रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली आज दोपहर को जो धमाका यहाँ पे शुरू होगा, बाद में आई थिंक पूरा दिन मैं बिज़ी होने वाला हूँ। बाद में हम कितना हुआ बुक माई शो का इंटरेस्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों भी फिल्मों के बारे में हम यहाँ पे बस जो बात कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि जो मैदान का जो BMS है, बुक माई शो का इंटरेस्ट, यहाँ पे दोनों भी फिल्मों का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, 54.5K का है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो बड़े BMS है 64.4K का है। एक का है 54.5K, एक का है 64.3K का। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि मैदान का जो बुक माई शो का इंटरेस्ट है वो फेक है, बोट्स लगा दिए गए हैं। भाई देखो, यहाँ पे एक बात है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर इससे आप ये नहीं ना कह सकते कि ये फिल्म, मतलब देखो आप ये समझ नहीं रहे हो कि मुझे जितना याद है, एक सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, मैदान का बजट है 150 करोड़ के ऊपर और 200 करोड़ से कम, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बजट है 250 से ऊपर और 300 करोड़, इतना है आई थिंक। या कहने का मतलब ये है कि आप जो, अगर मैदान को आप शैतान समझने जा रहे हो कि उसका बुक माई शो इंटरेस्ट उतना नहीं चाहिए, तो आप गलत हो ना। वो शैतान से डेढ़ दुगना नहीं, 2.5 गुना बजट वाली फिल्म है वो, है वो भी एक बड़ी फिल्म है। और मतलब सैम बहादुर उतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, OMG 2 उतनी बड़ी फिल्म नहीं थी जितनी मैदान है। मतलब आप ये मान के चलो कि मैदान को भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलेंगे। अब इसीलिए ये जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं ना, ये इसीलिए तो थोड़ा बहुत जो अक्षय के फेवर में होंगे बाई चांस, हालांकि वैसे रहते नहीं हैं, अक्षय के हिटर्स ही बहुत है, पता नहीं खिलाड़ी से जलती होगी उन लोगों की, हो सकता है, पर जो भी है ना उनका ये कहना है, जो पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट लगा मुझे, उनका ये कहना है कि क्लैश सही है बॉस, क्लैश तो होता ही है, पर यहाँ पे मैदान भी अच्छा खासा स्क्रीन काउंट लेके जाएगी, क्योंकि बोनी कपूर है वो, और वो कभी भी छोटी फिल्में बनाते ही नहीं है, और जब 9 बार आप पोस्टपोन करते हो तो फिल्म का बजट वैसे ही ज़्यादा है, 150 से 200 करोड़ उसका भी बजट है। तो जब 150 से 200 करोड़ बजट आता है तो बुक माई शो के इंटरेस्ट को लेके इतना डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि स्क्रीन काउंट उसके भी बढ़ेंगे भाई। और ये मत भूलो कि जब से वो IMAX का एडवर्टाइजमेंट आया है कि मैदान इन IMAX, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो एट प्रेजेंट ऑब्वियसली बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बुक माई शो इंटरेस्ट ज़्यादा है, और मुझे लगता भी है कि वो एट द एंड ज़्यादा रहेगा, और उसको रहना ही चाहिए क्योंकि वो बड़ी फिल्म है, उसका तो बजट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एज अ न्यूट्रल मैं यही कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ पर्सनली कि बुक माई शो इंटरेस्ट Day 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये मैं कह सकता हूँ, एग्री करता हूँ मैं ये चीज़ कि Day 1 के लिए कि आपका कलेक्शन, पर Day 2, Day 3, Day 4 आफ्टर रिव्यूज आप सिर्फ फैंस पे फिल्म डिपेंड रहती है। सिर्फ Day 1 के लिए आप कह सकते हो कि बुक माई शो है इम्पोर्टेंट Day 1 के लिए, लेकिन जब से एक बार मूवी रिलीज होने के बाद आप कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते, सब कुछ फैंस पे रहता है। हाँ भाई, वो कॉरपोरेट वाले जो रहते हैं वो तगड़ा है भाई, कॉरपोरेट बुकिंग वालों को ना Day 1 की ज़रूरत है, वो 10वें दिन पे भी 100 करोड़ कर सकते, उनकी आदत ही अलग है भाई, उनकी पावर है कॉरपोरेट की। तो फिर तो अक्षय अजय तुम भी चालू हो जाओ कॉरपोरेट के लिए, यही कहूँगा मैं, 500 500 करोड़ दे ही दो इस बार। पर क्या है, उनकी आदत नहीं दोनों की भी, वो दोनों ऐसी चीज़ें करते नहीं है। अगर इनका हो भी जाएगा ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, वो ऑर्गेनिक कलेक्शन के साथ होगा, तो यही रियलिटी। अब सिंघम अगेन, वो बड़ी फिल्म है, मैदान एक्शन फिल्म नहीं है मैदान, तो आप सिंघम अगेन का अच्छा खासा, अगर वो पुष्पा के साथ क्लैश नहीं आता है तो वो उसका भी अच्छा खासा कलेक्शन हो सकता है, पर वो रियल आएगा, कॉरपोरेट कलेक्शन नहीं आएगा वो, यही है। दोनों का सपोर्ट सिर्फ इसलिए है, इवन सलमान सर बाकी लोगों का भी सपोर्ट इसीलिए है जो लोग रियल कलेक्शन देते हैं, कि मुझे उन लोगों पे प्राउड है कि भाई तुम फ्लॉप दे दो पर तुम सच्चा बताते हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लास्ट मोमेंट पे बजट कम है भाई हमारे फिल्म का, ये है वो, ऐसा नहीं करते हो तुम लोग, ये अच्छी बात है, तो इसलिए सपोर्ट है भाई दोनों भी फिल्म्स को। हाँ, मैं दिल से नहीं, दिल से चाहता था कि ना हो क्लैश, मैं चाहता था 1 वीक आगे या पीछे आए मैदान, क्योंकि इन्होंने बाद में रिलीज़ कर दिया है फिल्म को, जो रिलीज डेट थी इनकी बाद में हुई है, रियलिटी तो ये है कि अनाउंसमेंट जो थी वो पहले ही हो चुकी थी। तो पर ये भी तो सही है ना कि गदर 2 का भी तो उस टाइम पे, OMG 2 भी तो बाद में आई थी, तो ये जस्टिस नहीं है ना भाई किसी के अगेंस्ट बेवजह जहर फैलाने का।
मैं उन बातों पे नहीं मानता हूँ, बुक माय शो का इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप, अब देखो इसको रियल मानो ना मानो, लेकिन ये बात है कि लास्ट के 2 दिन से बहुत तगड़ा बुक माय शो का इंटरेस्ट इसका भी बढ़ा है। अक्षय कुमार के फैंस को यही कहूँगा कि भाई आपको भी बुक माय शो का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डे वन का फ़र्क भी भाई बहुत ज़्यादा होगा फिल्म के कलेक्शन में दोनों के, नो डाउट। देखो सिंपल सी बात है, मैदान का तो ये लोग प्रमोशन भी नहीं कर रहे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का प्रमोशन भी अच्छा खासा हो रहा है, कर भी रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि स्क्रीन काउंट्स भी ज़्यादा होंगे, एक्शन फिल्म को लोग ऑटोमेटिकली पसंद भी करते हैं। तो कलेक्शन वाइज तो भाई मैं प्रैक्टिकल बोलने वाले हूँ, ऐसे हूँ अजय, कि फैंस को बुरा लगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कलेक्शन में ओवरऑल भी बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होने वाला है, पर मूवी के बजट भी तो अलग अलग है ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को अगर हीट होना है तो नेट कलेक्शन में 300 साढ़े 300 करोड़ करना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड 500 हो ही जाएगी उसमें, तो वो तो आराम से हो जाएगी, ये तो मेरा भी प्रडिक्शन है, पर उतना करना पड़ेगा। वाइल अगर मैं मैदान की बात करूँ तो उसको नेट कलेक्शन शैतान से तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको 150-200 करोड़ के करीब नेट कलेक्शन करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड 300 भी हो कर जाता है वर्ल्ड वाइड तो भी वो हिट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ही होगी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी वही है कि दोनों ठीक है, दोनों भी वैसे बोलना पड़ेगा कि बड़ी बजट की ही फिल्म है, वैसा कह सकते हो। तो बुक माई शो पहला दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ अक्षय सर के फैंस को, इवन अजय सर के भी फैंस को, टूट पड़ो बुक माई शो के इंटरेस्ट पे। अगर आपको आपके स्टार को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देनी है, ना कि हिट सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर देनी है, तो टूट पड़ो, क्योंकि पहला दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या वो एक्चुअली पहला क्या, मैं तो बोलूँगा एक्सटेंडेड वीकेंड को भी फ़ायदा हो जाएगा बुक माई शो के इंटरेस्ट का। एक्सटेंडेड वीकेंड मिल रहा है भाई, आई थिंक वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 5 दिन मिल रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, बुक माई शो के इंटरेस्ट पे टूट पड़ो, क्योंकि बहुत आपको अभी नहीं दिखेगा वो, बाद में जब कलेक्शन आएगा तब आप बोलोगे भाई सही बोला था आपने। शेयर कीजिए वीडियो।